हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज मैं आपके सामने आपसे रूबरू होने आया हूं आप सभी को भारत के संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देने। भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम जिसको सेलिब्रेट करते हैं उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर साल 26 नवंबर को यानी कि आज के दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि 2015 में भारत सरकार ने ऐसा आदेशित किया था कि अब से हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हम संविधान दिवस आज के दिन ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 यानी कि 26th of November 1949 को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ था उसको अडॉप्ट किया था। हमने ये मान लिया था कि आज से ये हमारा भारत का संविधान बनेगा और इसीलिए ये दिन हमारे लिए इतना खास है। कुछ लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 यानी कि 26th of January 1950 को हमारा भारत का संविधान जिसको हमने नवंबर में अडॉप्ट किया था वो जनवरी में जाके हमने पूरे देश में लागू किया, इसीलिए उस दिन का भी हमारे लिए एक अलग महत्व है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम मना तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में हम क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं भारत के संविधान दिवस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी जिम्मेदारी थी हमारे भारत के संविधान को तैयार करने की, उसकी पहली मीटिंग हुई थी December 9, 1946 यानी कि December 9, 1946 को पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, पहली मीटिंग करी थी और यह तय किया गया था कि हमारे भारत का संविधान इसी मीटिंग में तैयार किया जाएगा। फिर अगले 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथ में बैठी और काम करती रही और आखिरकार उन्होंने आखिरी मीटिंग में जाके जिसमें उन्होंने टोटल 11 बार मीटिंग करी इन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में, उन्होंने हमारे भारत के संविधान को बना के तैयार किया और आखिरकार उसको अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा उसके पहले इंटरिम प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत देश के पहले प्रेसिडेंट थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनको हम सब जानते हैं, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये वो कमेटी थी जिसके पास जिम्मेदारी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको लिखित फॉर्म में उतारना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेन स्ट्रीम में फ्रेम करना, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और उन्होंने उस कमेटी को चेयर किया। इसके साथ ही साथ जो हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हुआ है उस पे आज जिस पे हम सब बहुत गर्व करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात थी। मैं एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं इतने सालों से जो लॉ को पढ़ रहा हूं मैंने एक बात हमेशा समझी और मेरा जो मानना है वो कई जजेस का भी मानना है कि आप यानी कि हम और आप जो मिलकर भारत के सिटीजन है, भारत के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भारत के संविधान को जरूर पढ़ें। और इसीलिए आज के इस खास मौके पे मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपने कभी भारत का संविधान नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा कष्ट उठाइए, एक बगल की किताब की दुकान में जाके भारत के संविधान की किताब को खरीदने का कष्ट उठाइए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने स्मार्टफोन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप को डाउनलोड करके भारत के संविधान को एक बार पढ़िए जरूर, क्योंकि ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और भारत का संविधान वही काम करता है, हमें वो मजबूती और वो ताकत देता है जो भारत के हर एक सिटीजन के पास होनी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संविधान दिवस में मेरी इस दरख्वास्त को जरूर मानेंगे और हम और आप मिलके इंडिया को एक बड़ी डेमोक्रेसी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।